वाराणसी के चंदुबा छित्तूपुर स्थित कुशवाहा भवन में सत्यमेव जयते व सम्राट सेना के द्वारा सम्राट अशोक जी का जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शकुंतला कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा, इंद्रभूषण सिंह, नीलम वर्मा, रत्ना कुशवाहा, नीलम कुशवाहा आदि लोगों द्वारा गौतम बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीपदान किया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सत्यमेव जयते संस्था के अध्यक्ष अभिषेक सिंह मौर्य व सम्राट सेना के अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने बताया कि चक्रवर्ती सम्राट के बारे में समाज व अन्य समाज के लोगों को जानकारी हो कि उनकी क्या महानता थी और समाज के लोग एक मंच पर आकर एक दूसरे से मिले। मेरा नाम अभिषेक सिंह मौर्य है और सत्यमेव जयते संस्था चला रहा हूँ और सम्राट सेना के अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य जी हैं। हम दोनों लोग चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो पूरी दुनिया पर मनाती थी उसको हम पता नहीं कब भूल बैठे हैं, उसको पुनः प्रयास कर रहे हैं ताकि आज सम्राट अशोक का जन्मदिन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक की महानता का तो वर्णन करना इतना आसान नहीं है, समय उतना हम लोगों के पास नहीं है। और हम बस समाज के अंदर जब ये देखते हैं कि लोगों को सम्राट अशोक की महानता तो छोड़िए, उनका नाम तक नहीं जानते और वो क्या थे, उन्होंने क्या किया वो लोगों को नहीं पता है। काफ़ी व्यथा थी उनके अंदर और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्होंने सम्राट अशोक के जन्मदिन को मनाया जाए और उनके उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाए, जिससे कि जनमानस के अंदर वो जागरूकता आ सके कि वो उनके पूर्वज कितने महान थे। पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, उनके झंडे को आज भी हम राष्ट्रीय झंडा मानते हैं, उनके उनके चिन्हों का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सिक्के और नोट पर, मुद्रा पर भी हम उनके। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने महान, जबकि उनके चिन्हों से ये प्रतीत होता, प्रतीत ही नहीं होता है, ये फैक्ट है कि ये बौद्ध देश है जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने में कार्य कर रहे हैं। आज जो है इनके दिन पर काशीवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? काशीवासियों नहीं, हम बल्कि पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि उनके महान दिवस जो है हम लोगों ने फिर से लोगों को जनता के रूप में उनके महानता के कार्य पहुँचाने का कार्य किया। चलिए, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।